नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो होगी ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो होगी, ऐसे ही आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे तथा प्रेस कर दे, ताकि हमसे आने वाली कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। हमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, पहला ए 303 अनुच्छेद, बी 332 अनुच्छेद, सी 222 अनुच्छेद तथा डी 445। तो दोस्तों, हमारा क्या आंसर होगा, 330। ए क्या होगा हमारा आंसर, 330 होगा। दोस्तों, आपको एक नोट बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। ऑप्शन क्या है हमारा, ए पोर्ट ब्लेयर में मुंबई हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के द्वारा, बी क्या है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच, सी क्या है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, डी क्या है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की जो सर्किट बेंच है वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की न्याय क्षेत्र की देखरेख करती है। दोस्तों, इसमें एक नोट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी क्या है केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी क्या है बॉम्बे हाई कोर्ट। हमारा आंसर क्या होगा, केरल हाई कोर्ट। जो केरल हाई कोर्ट है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य का न्यायालय करता है। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। जो केरल हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप का दोनों का ही हाई कोर्ट है। यह कहाँ है, तो यह जो है कोची में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दोस्तों, आपको इसमें तीन बातें याद रखनी है, पहला लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कौन सा हाई कोर्ट करता है, तो केरल हाई कोर्ट करता है। केरल हाई कोर्ट और दो एक केरल और लक्षद्वीप दोनों का ही न्याय करता है। यह कहाँ है, तो यह कोची में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का कौन बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन क्या है, ए राष्ट्रपति का आदेश, बी कानून द्वारा सांसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। हमारा आंसर क्या होगा, बी कानून द्वारा संसद। दोस्तों, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आपको पता है संसद को, संसद ही है जो कानून बनाता है और कानून तोड़ता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। जब हमारा संविधान बना था तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, तो 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13 हो गई, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इसकी 31 संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में 31 है। 1956 में कितनी थी, तो 10 थी। 1960 में कितनी थी, तो 13 थी। 1977 में कितनी थी, तो 17 थी। 1985 में कितनी हो गई, तो 25 हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या है, ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आपको उच्च न्यायालय में कितने दिन तक कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी अगर आप 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं तभी आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश में कार्य करने का अवसर प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
सॉरी ये हमारे से एक नोट है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 14 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। मतलब ये एक आपकी योग्यता है कि आपको कंपलसरी 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में आपको कार्य करना ही करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली को एनसीटी, एनसीटी का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। ऑप्शन क्या है, 63वां संशोधन है, 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन, 76वां संशोधन। तो कौन सा संशोधन दोस्तों, तो 69वां संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संशोधन करके बनाया गया, संविधान संशोधन कौन सा, तो 69वां संविधान संशोधन करके बनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी एक नोट है इसमें, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसमें दोस्तों आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1991 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तो आपको याद रखना होगा 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था उसके तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि एनसीटी की स्थापना कब हुई, तो 1 फरवरी 1992 को एनसीटी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शन क्या है, 15 लाख, बी 25 लाख, सी 30 लाख, डी 30 लाख। ऑप्शन क्या सही है हमारा, बी 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में एक राज्य में कार्यकारिणी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क्या है हमारा, पहला राज्य कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल में निहित है, दूसरा राज्य में वास्तविक कार्यकारिणी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, तीसरा राज्य में सभी कार्यकारिणी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। अब इनमें से हमें विकल्प चुनना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ए क्या ऑप्शन हमारा, केवल 1 और 2 सही है। बी क्या है, केवल 2 और 3 सही है। सी क्या है, केवल 3 सही है। डी क्या है, 1, 2 और 3 सही है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार एसएससी सीजन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, केवल 1 और 2। कौन कौन से इसमें हमारे विकल्प सही है, एक पहला क्या है, राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल में निहित होनी चाहिए, दूसरा क्या है, राज्य में वास्तविक कार्यकारिणी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल उसके कार्यकाल से हटा सकता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल को से हटा सकता है। मतलब कि अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, अगर 20 से उसको हटाना है तो उसको कौन हटा सकता है। ऑप्शन क्या है, ए राज्य विधानसभा, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या, राष्ट्रपति। दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यपाल आते हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को ये पूरा हक है कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पहले हटा सकता है या बदल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें एक नोट है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद दर्पत्य कार्य करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, जो अभी हमने पहले बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें, मतलब कुछ भाषा दिया गया उस पर विचार करना है। पहला ए क्या है, सिंधी और नेपाली, डी क्या है, कोंकणी और मणिपुर, बोर्ड और सी क्या है, तीसरा क्या है, बोर्ड और संस्थाली, चौथा क्या है, संस्थाली और कोंकणी, बी क्या है, दोगड़ी और मैथिली। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन है, 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। अब हमारा ऑप्शन आता है, ए क्या है, पहला और दूसरा, बी क्या है, दूसरा और तीसरा, सी क्या है, तीसरा और पांचवा, डी क्या है, चौथा और पांचवा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी तीसरा और पांचवा। जो तीसरा ये बोर्ड और संस्थाली और पांचवा क्या है, दोगरी और मैथिली। ये 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। हमारे इसमें एक नोट है, 1967 में कौन सी भाषा शामिल की गई थी, तो सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, और 2003 में जो है
बोर्ड, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तथा सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।